हेलो एवरीवन, आज हम अमोनिया गैस की टेस्टिंग की बात करेंगे कि अमोनिया गैस को टेस्ट जो है वो लेबोरेटरी में कैसे किया जाता है। तो अमोनिया गैस की टेस्टिंग के लिए हमारे पास थ्री मेन केमिकल रिएजेंट होते हैं। पहला रिएजेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड जो है वो नेस्ले रिएजेंट है, और थर्ड जो है वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अमोनिया के साथ रिएक्ट करके व्हाइट फ्यूम्स देता है, नेस्ले रिएजेंट अमोनिया के साथ रिएक्ट करके रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है अमोनिया के साथ रिएक्ट करके डीप ब्लू कलर जो है वो देता है। तो अब इसको हम इजी वे में कैसे लर्न कर सकते हैं और इनकी केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होंगी, इसकी हम बात करेंगे। अब देखो, अमोनिया की टेस्टिंग को हम इजी वे में कैसे लर्न कर सकते हैं। हॉट नेस्कैफे पीने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक जो है वो अमोनिया ने किया। तो यहां पे हॉट मतलब होता है, हॉट मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, नेस मतलब है नेस्ले रिएजेंट से, और कैफे का मतलब है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से है। तो यहां पे जो अमोनिया है HCl क्या देता है, वर्ल्ड मतलब वाइट फ्यूम्स, नेस्ले रिएजेंट के साथ अमोनिया जो है वो क्या दे रहा है, रिकॉर्ड मतलब रेडिश ब्राउन। तो हॉट नेस्कैफे पीने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अमोनिया ने ब्रेक किया। ये अमोनिया की टेस्टिंग जो है वो हो गई। अब हम अमोनिया की पहली टेस्टिंग देखते हैं। तो आपको अमोनिया का कोई सॉल्ट लेना है, चाहे आप अमोनियम नाइट्रेट ले लो, चाहे अमोनियम क्लोराइड ले लो, चाहे अमोनियम सल्फेट ले लो। इन सॉल्ट में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डाल दो, कोई भी एल्केली डाल दो, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, कोई भी आपको बेस जो है वो डालना है। फिर आपको कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेना है और आपको एक ग्लास रॉड लेनी है। जब आप इस टेस्ट ट्यूब को जेंटली हीट करते हो तो क्या होता है, तो देखो जरा क्या होता है। अमोनियम नाइट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से कंबाइन होगा, तो सोडियम नाइट्रेट बनेगा एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनना चाहिए, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। थोड़े सी हीट पे वो क्या होता है, डिकम्पोज होकर अमोनिया एंड वाटर बनाता है। तो यहां पे हम हीट तो कर ही रहे हैं, तो क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जगह क्या बनेगा, NH4OH की जगह क्या बनेगा, इसकी जगह बनेगा आपका अमोनिया एंड वाटर। अब ये जो अमोनिया गैस जो है वो निकल रही है, और आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl से भीगी ग्लास रॉड जो है वो इस टेस्ट ट्यूब के मुंह पे ले जानी है। तो क्या होगा, तो जो अमोनिया गैस है वो कॉन्सेंट्रेटेड HCl के कांटेक्ट में आके क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड बनाता है, और अमोनियम क्लोराइड के ही व्हाइट फ्यूम्स होते हैं। तो जो व्हाइट फ्यूम्स बन रहे हैं वो किसके बन रहे हैं, वो अमोनियम क्लोराइड के बन रहे हैं। तो अमोनिया गैस इस कॉन्सेंट्रेटेड HCl के कांटेक्ट में आके क्या बना रहा है, अमोनियम क्लोराइड बना रहा है। ये अमोनियम क्लोराइड जो है वो व्हाइट फ्यूम्स के फॉर्म में हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ये अमोनिया की पहली टेस्टिंग हो गई। इसके बाद अमोनिया की टेस्टिंग जो है वो नेस्ले रिएजेंट के साथ देखेंगे।
नेसलर रिएजेंट जो है वो हमारा क्या कहलाता है? तो एल्कलाइन पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, ये K2HgI4 कहलाता है। इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं नेसलर रिएजेंट बोलते हैं। तो जब K2HgI4 जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता है तो इस सॉल्यूशन को हम नेसलर रिएजेंट बोलते हैं। जब K2HgI4 जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ होता है तो इसे भी हम नेसलर रिएजेंट बोलते हैं। तो ये हमारे अल्कलाइन कहलाते हैं। तो अल्कलाइन K2HgI4 ये जो सॉल्यूशन होगा इसको हम क्या बोलते हैं? नेसलर रिएजेंट बोलते हैं। अब नेसलर रिएजेंट जो है वो किससे रिएक्ट कर रहा है? अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है। तो देखो जरा K2HgI4 ये कैसा होना चाहिए? अल्कलाइन, तो KOH साथ में होना चाहिए। इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? नेसलर रिएजेंट। और इसकी रिएक्शन जो है वो हमें करानी है किससे? अमोनिया से। तो बनता है हमारा NH2HgOHgI। ये होता है हमारा रेडिस ब्राउन प्रेसिपिटेट। और क्या बनता है? और बनता है हमारा H2 एंड पोटेशियम हाइड्राइड। इक्वेशन को जो है वो हम बैलेंस करेंगे। तो यहां पे हम 2 लगाएंगे, यहां पे हम 3 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7। तो इक्वेशन हमारी जो है वो बैलेंस हो चुकी है। तो नेसलर रिएजेंट जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट जो है वो बनाता है। और इसको हम बोलते हैं, ये जो आपका प्रेसिपिटेट बन रहा है इस प्रेसिपिटेट को हम बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। ये कहलाता है आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बनता है? आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। इसके बाद हम अमोनिया की टेस्टिंग जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। तो थर्ड जो टेस्टिंग है वो है रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद एक्वस अमोनिया। तो एक्वस अमोनिया जो है वो हमारा क्या कहलाता है? तो देखो जरा, जब हम अमोनिया जो हमारी गैस है उसको हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो ये बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम बोलते हैं एक्वस अमोनिया। तो यही हमारा एक्वस अमोनिया कहलाता है। तो एक्वस अमोनिया की रिएक्शन किससे करानी है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से करानी है। तो करा देते हैं कॉपर सल्फेट। ये जो सॉल्यूशन है ये एक्वस अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है। क्या बनेगा? अमोनियम सल्फेट बनेगा। और क्या बनेगा? और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। इक्वेशन को जो है वो बैलेंस करेंगे तो यहां पे 2 लगा देंगे, इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड बना हुआ है ये आपका ब्लू प्रेसिपिटेट होता है। तो ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट जो है वो बनता है जब एक्वस अमोनिया जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है। लेकिन अगर हम एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन जो है वो एक्सेस में ले लें तो ये जो ब्लू प्रेसिपिटेट बना हुआ है ये क्या हो जाएगा? ये डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये प्रेसिपिटेट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। तो करते हैं, अमोनियम सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड NH4OH।
से बनेगा, सी यू एन एच थ्री होल फोर एसओ फोर प्लस एच टू। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, यहां नाइट्रोजन फोर है, यहां नाइट्रोजन टू है, तो यहां पे कितना कर देंगे टू, तो ये फोर हो जाएगा। अब OH यहां पे कितने हैं टू और OH यहां पे कितना है टू, तो मतलब ऑक्सीजन टोटल कितना होगा फोर, तो यहां पे ऑक्सीजन को फोर करने के लिए हमें फोर वाटर करना पड़ेगा, तो इक्वेशन हमारी ये बैलेंस हो गई। तो ये जो टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट बना हुआ है ये कैसा होता है, ये आपका डीप ब्लू कलर का होता है। तो प्रेसिपिटेट हमारा कैसा हो जाएगा, डिसॉल्व होकर क्या बनाता है, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है। अब हम ओवरऑल इक्वेशन जो है वो लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड जो स्पीशीज कॉमन होगी वो कैंसिल हो जाएगी, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड कैंसिल हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट से अमोनियम सल्फेट कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, कॉपर सल्फेट 4 NH4OH, 2 ये है और 2 ये है, से CU NH3 होल 4 SO4 प्लस 4H2। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन बना हुआ है इसको हम बोलते हैं टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट। अगर इसको हम आईपीसी की बात करें तो होगा टेट्रा अमाइन कॉपर सेकेंड सल्फेट। ये क्या है, ये हमारा आईपीसी नेम हो जाएगा। और इसका कलर कैसा होता है, ये हमारा डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। तो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपका तभी बनेगा जब आपका अमोनिया सॉल्यूशन जो है वो कैसा होना चाहिए, एक्सिस में। लेकिन अगर आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लिमिटेड होता है तो ये कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा जो कि किसका होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड का होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब अमोनिया सॉल्यूशन लिमिटेड होता है तो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, लेकिन जब अमोनिया सॉल्यूशन एक्सेस में होगा तो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो है वो बनेगा। अब चूंकि अमोनिया जो है वो बेसिक नेचर का होता है तो ये कॉमन बेस का टेस्ट भी देगा। तो कॉमन बेस के टेस्ट क्या होते हैं कि जो रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू हो जाता है और जो आपका टर्मरिक सॉल्यूशन होता है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो रेड लिटमस पेपर वाला टेस्ट और टर्मरिक वाला टेस्ट ये कॉमन बेस का टेस्ट है और अमोनिया बेसिक नेचर का होता है, इस कारण ये टेस्ट जो है वो देगा। लेकिन जो हमने पहले जो तीन टेस्ट आपको बताए हैं ये केवल और केवल अमोनिया की टेस्टिंग के लिए है, जहां पे हम अमोनिया को टेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसको लाइक कर, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।